नमस्ते, दिव्योति क्रिएशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे लाल मिर्ची का अचार। सीजन में एक बार बनाकर रख देंगे तो एक साल भर आप इसका मजा ले सकते हैं। आप इसे रोटी, राइस, चावल, गर्मा गर्म चावल और डोसा इडली के साथ सर्व कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम रेड चिल्ली। ये देखिए, ये सीज़न में ही आते हैं, साल भर नहीं मिलते। इसे मैंने अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। आप चाहे तो थोड़ी देर पंखे के नीचे सुखा भी सकते हैं। हम इसके डंठल निकाल देते हैं। देखिए इस तरह से पानी की मात्रा कुछ भी नहीं रहना चाहिए, पूरा सूखा हुआ रहना चाहिए, तो ही एक साल भर वो टिकेगा। देखिए सारे मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर मैंने इमली लिया है, इमली को भी मैंने पूरा साफ़ कर लिया है। देखिए उसके अंदर बचे कुचे कचरे को मैंने निकाल दिया है। इसमें हम डालेंगे अभी नमक। इमली और नमक को मिक्सी में पीस लीजिए। एकदम से मिर्ची में मिलाने से वो अच्छे तरह से पेस्ट नहीं हो पाता, इसलिए ये पहले घुमा कर लीजिए। देखिए इतना हो गया तो बस है। अब हम मिर्ची को काट कर उसमें मिलाएंगे। देखिए थोड़ा काट कर डालने से अच्छा हमारा पेस्ट रेडी होकर आएगा, इसीलिए काट कर डालिए। देखिए यहाँ पर मैंने काट लिया है और उसी मिक्सी में मैंने डाल लिया है। थोड़ा थोड़ा मिर्ची में यहाँ पर मिक्सी में डालते जा रही हूँ और पेस्ट बना लिया है। पेस्ट आपको बहुत बारीक नहीं, दरदरा बना लेना है। देखिए इस तरह से इतना हो गया तो बस है। अब मैं इसमें लहसुन की कलियाँ डालूँगी। देखिए लहसुन डालने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। डालकर फिर एक बार पीस लीजिए। देखिए इस तरह से मैंने पीस लिया है, इतना हो गया तो बस है। आप यहाँ पर एक बार साल्ट चेक करिए। मैंने नमक चेक किया, मुझे थोड़ा कम लगा। मैंने इसमें पाउडर साल्ट डाला है। यहाँ पर पाउडर साल्ट ही डालिए, रॉक साल्ट मत डालिए, वो अच्छा पीसेगा नहीं। देखिए पाउडर साल्ट डालकर मैंने फिर एक बार घुमा लिया है। देखिए इस तरह से पेस्ट बनकर रेडी हो गया है हमारा। अब हम इसे एक ग्लास के जार में निकाल कर रख देंगे। देखिए मिनिमम एक दिन तो रखना ही पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा दिन रख पाते हैं उतना ज़्यादा दिन रखिए। जब भी आप खाना चाहते हैं तब निकाल कर उसमें चौंक मारिएगा। थोड़ा थोड़ा निकाल कर आप चौंक डालते हैं तो भी ठीक है, एकदम से डाल कर रखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन एकदम से आप टेम्परिंग करते हैं तो उसमें आपको पीनट का ऑयल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैंने तो 15 दिन रखा था। देखिए कलर भी उसका चेंज नहीं हुआ है। मिनिमम एक दो दिन तो रख कर उसके बाद ही आप चौंक डालिए। देखिए यहाँ पर मैंने पीनट का ऑयल डाला है, उसमें मैंने लहसुन की कलियाँ डाला है और ये है सूखे हुए लाल मिर्च और ये मैंने राय डाला है और इसमें हम डालेंगे जीरा। देखिए ये सारा प्रोसेस आप लो फ्लेम पे ही करिए, हाई फ्लेम पे मत करिए, जल जाएगा। देखिए इसमें मैंने करी लीव डाला है। डालकर अच्छे से एक बार फिरा लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे हींग। देखिए हींग डालने से बहुत अच्छा स्वाद आता है और खुशबू भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए ज़रूर डालिए। इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट्स आप स्किप मत करिए। अब हम हमारा चिल्ली पेस्ट इसमें डालेंगे। डालकर एक बार अच्छे से घुमा लीजिए। गैस का फ्लेम आप लो ही रखिए, गैस बंद मत करिए। देखिए एक अच्छे से मिला लीजिए। लो फ्लेम पर पूरा मिक्स होने के लिए आपको 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट तक आप इसे घुमाते रहिएगा। देखिए इस तरह से। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप पीनट ऑयल या सेसमी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कृपया सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल मत करिए। इसमें मैंने 1/2 चम्मच मेथी पाउडर डाला है। मेथी को मैंने हल्का रोस्ट कर पाउडर कर इसमें मिक्स किया है। हो गया है, गैस का फ्लेम मैंने ऑफ किया। अब हम सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म राइस के साथ तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, इडली डोसा के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। एक बार बना कर रखिए और साल भर खाइए। फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट है तो फिर आप फ्रिज में रखिए। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आप गीला चम्मच और गीले हाथों से इसे छुइएगा मत। एक साल भर पूरा टिक कर आएगा। देखिए मैक्सिमम 1 ईयर तो ये आ ही जाएगा। देखिए दोस्तों, और इसे ग्लास कंटेनर में डालकर, एयरटाइट कंटेनर में डालकर रखिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।